So good morning, friends. Today we are going to discuss about the foundation boards. This is covered in engineering graphics of first year common subject, as well as plant maintenance and material handling of final year mechanical engineering. So foundation boards hote kya hai? These boards are used for fixing machines to their foundation. Basically inka function ye hota hai ki they stop machines from vibration. जैसे कि मशीन चलती है तो उसमें बिकॉज देर आर मूविंग पार्ट्स सो देर आर लाइकली टू हैव वाइब्रेशंस एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द स्ट्रक्चर थ्रू फाउंडेशन बोर्ड्स. तो फाउंडेशन बोर्ड्स जो हैं आगे फाउंडेशन को तैयार करते हैं और वो आइसोलेट की जाती हैं आसपास की मशीनों से सो दैट आगे ट्रांसमिट ना हो. सिंपल फॉर्म ऑफ दीज बोर्ड्स कैन क्विकली फोर्ज्ड फ्रॉम माइल्ड स्टील. होता क्या है कि माइल्ड स्टील की बड़ी बड़ी रॉड ले जाती है और उसको फोर्जिंग आपने देखी हुई होगी कि ओपन फोर्जिंग डाई फोर्जिंग इस तरह से होती है. तो फोर्जिंग माइल्ड स्टील से ही यूज किया जाता है या रॉट आयरन बार होता है जो सिंपल आयरन बार होता है उससे उसकी फोर्जिंग करके उसको बनाया जाता है. These boards are suspended in hold and cement grout is then poured to fill up the space around them. होता क्या है कि बोर्ड को जमीन में एक होल में रख दिया जाता है और उसके आसपास सीमेंट से भर दिया जाता है सो दैट उसको थोड़ा सा हार्डनिंग का टाइम मिल जाए और फिर वो बोर्ड जो है उनके ऊपर मशीन आके इरेक्ट कर दी जाती है. These bolts are made from mild steel or wrought iron or rod for fixing heavy machines in the ground. The size of bolt depends on the size of machine. Choti machine hogi to chote honge, thickness unki kam ho jayegi. Lekin agar badi machine hogi to uske liye bade aur thick bolt honge. The bolts are placed in cement concrete so that they are permanently fixed in the ground. और बाद में अगर उनको ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है तो लगभग ये 20 इंच या 10 इंच की लिमिट लगाई गई है. ये फाउंडेशन नीचे बनाई गई है कंक्रीट फाउंडेशन है. तो कंक्रीट फाउंडेशन क्या करती है इसको कंप्रेशन का लोड लेती है. तो यहाँ पे अब टेंशन लोड कंप्रेशन तो इसने फाउंडेशन ने ले लिया लेकिन टेंशन और शियर लोड लगा हुआ है. तो शियर लोड और टेंशन लोड जो है ये जो फाउंडेशन बोल्ट है वो इसको केटर ऑफ करते हैं. तो टेंशन के लिए भी बोल्ट जो है वो ऊपर की तरफ खींचते हैं और शियर लोड लेटरल उसकी डिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है. सो द फर्स्ट वन इज आई फाउंडेशन बोल्ट. आई फाउंडेशन बोल्ट देखिए इसकी शेप जो है आई की है. इसकी डायामीटर जो है बोल्ट का डायामीटर मैंने बताया ये माइल्ड स्टील की रॉड से बनता है तो बोल्ट का डायामीटर डी होता है. तो प्रोपोर्शनेट डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो दिस इज यूज्ड फॉर फास्टनिंग लिड टू द टैंक्स. बड़े बड़े टैंक हैं उनकी लिड जो ढक्कन है उसको फिक्स करने के लिए भी लगाया जाता है. तो इसका जो अगर आप साइड से देखें तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी जो यहाँ पे साइड से देखा जाएगा तो ये 2D के बराबर. अगर डी इसकी 50 mm का वो आप बनाते हैं या 100 mm का इसका डायमीटर बनाते हैं तो ये इनर क्योंकि इसका जो होल है आई जो है इसकी डी की होगी तो दैट मीन्स जो गोला इसका बनेगा वो 2D का बनेगा. दोनों साइड में 2D का होगा. देन देयर इज रैग फाउंडेशन बोल्ट. रैग फाउंडेशन रैग चीथड़े जैसे कपड़े चीथड़े होते हैं तो रैग फाउंडेशन बोल्ट हैज इंडेंटेड और ग्रूव्ड एजेस. किनारियां उसकी इस तरह से कटी हुई होती हैं and the gaps around are filled with molten lead. आसपास के जो हैं वो molten lead से भर दिए जाते हैं. आप इसको free hand भी बना सकते हैं. इसकी dimensions देखिए मैं यहाँ आप देख सकते हैं this is 48-72 और ये fix नहीं है कि rags कितनी हैं इसमें grooved कितनी हैं edges जो हैं वो grooved कितनी हैं आप अपनी length के हिसाब से बना लेते हैं. तो ये 120 है मैंने बताया लगभग 10 इंच का इसका डेप्थ होती है तो 10 इंच आपका लगभग 120 mm बनता है. तो 120 mm ये भरा हुआ है आपका और इसके जितने भी ग्रूव्स बनते हैं आप फ्री हैंड से इसको बना सकते हैं. इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. सो देन नेक्स्ट इज द लेविस फाउंडेशन बोल्ट. लेविस फाउंडेशन बोल्ट इसमें क्या होता है लेविस फाउंडेशन बोल्ट में ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं ये 3D में दिखा रहा हूँ.
तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले इस बोल्ट को इरेक्ट कर दिया जाता है, नाउ दिस इज रिमूवेबल। जो हमारा पिछला वाला था ये रैग फाउंडेशन बोल्ट, ये रिमूवेबल नहीं है, एक बार इसमें लग गया तो उसके बाद तोड़ के ही निकाला जाता है या जमीन में ही उसको रहने दिया जाता है। लेकिन ये लेविस वाला जो है ये रिमूवेबल है। इसमें क्या होता है, टेपर्ड की इज फिटेड ऑन राइट स्ट्रेट एज आफ्टर पुटिंग द बोल्ट इनसाइड द ग्राउंड। बोल्ट हमने डाल दिया है और उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए ये साइड में टेपर की लगाई जाती है। तो ये देखिए कुछ टेपर की अगर है तो हमारी किस तरह की है, ये कुछ जिब हेड की जैसी है। तो ये इसका डायामीटर 24 है और नीचे से बेस जो है फुटिंग जो है वो 36 हो जाती है, 105 इसकी लेंथ होती है और ये 16 की इसकी की होती है, जिसका जो बाहर का निकला हुआ प्रोजेक्टेड हेड जो है वो 24 होता है। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन होती हैं। लिफ्टिंग आई बोल्ट, लिफ्टिंग आई बोल्ट एक अलग तरह का होता है जो कि ऊपर से डाला जाता है, तो ये लिफ्ट किया जा सकता है। लिफ्टिंग आई बोल्ट, लिफ्टिंग आई बोल्ट का इनर आई जो है 1.5D है, अगर डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, और ये 2D इसकी जो है जो नीचे का अगर देखा जाए नीचे का बेस होता है, आपने देखा होगा जो इवन टोचन करने के लिए काम आता है वो लिफ्टिंग आई बोल्ट होता है। ये इसकी डायमेंशन है, आप नोट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। देन स्प्लिट एंड बोल्ट, इट मेक्स ए रिजिड फिक्सिंग एंड इट इज यूज फॉर मीडियम साइज मशीन फाउंडेशन। यहाँ पे नीचे से स्प्लिट हो जाता है तो ये स्प्लिट जो है वो उसको टेंसाइल स्ट्रेसेस को केटर करता है, उसको ले लेता है टेंसाइल स्ट्रेसेस को और बीच में फंस के रह जाता है। नाउ द लास्ट इज मेथड ऑफ लोकेटिंग फाउंडेशन बोल्ट, किस तरह से लोकेट किए जाते हैं, कहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि जमीन में लगाने हैं उसके बाद मशीन आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले एक दो मेथड हैं, टेम्पलेट मेथड एंड बॉक्सिंग मेथड। टेम्पलेट मेथड में हम वुडन टेम्पलेट लेते हैं जिसको हम स्टेंसिल करते हैं, तो उसके ऊपर हम मशीन से मार्किंग ले लेते हैं। ये हमारी मशीन है तो मशीन से मार्किंग ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे होल करते हैं। फिर उसके बाद उसको एक सेंटर जो है उसमें एक सेंटर का एक फट्टा लिया जाता है और उसके ऊपर साइड में हमारे ये टेम्पलेट्स लगाई जाती हैं। उनको फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जमीन के ऊपर मशीन से पहले मार्किंग करवा के लेके आते हैं, फिर जमीन के ऊपर मार्किंग करते हैं और वहां फिर ये बोल्ट को इरेक्ट करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, बॉक्सिंग मेथड। बॉक्सिंग मेथड में क्या करते हैं, नीचे ही हम होल्स आर प्रोवाइडेड ऑन बॉक्सेस। यहाँ पे भी देखिए बोल्ट जो है वो बॉक्स किए जा रहे हैं। द बॉक्सेस आर रिमूव्ड वंस द ग्राउंडिंग हार्डन्स। तो यहाँ पे ये बॉक्स लगा दिया गया है, तो बोल्ट लगा दिया गया, बोल्ट जो है वो टेम्पलेट मेथड से मार्क कर दिया गया और उसके बाद इसमें ग्राउट जो है वो भर दिया गया। तो जैसे ही ये भर जाता है उसके बाद इस बॉक्स को रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।